ग्राउंड जीरो खबर के प्रायोजक हमास सुपर 35 करियर इंस्टीट्यूट नीट और नर्सिंग में सबसे ज्यादा चयन देने वाला संस्थान, पता 3rd फ्लोर रमा गोविंद पैलेस सिरमौर चौक रीवा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार दावा कह रही है कि हम हर व्यक्ति का रोजगार दे रहे हैं। शिवराज सरकार ये कहा थी जो जहाँ है वहीं उनका रोजगार दिन जा रहा है। बेरोजगारी लगातार बढ़ी रही है और बेरोजगारी सिर्फ पढ़े लिखे भर बेरोजगार नहीं आई, ऐसो लोग बेरोजगार हो रहे हैं जो वास्तव में काम मिल जाते रोज। अगर रोज नहीं मिला था 4-5 रोज से लौटा था ही सब, आज बजे यही काम दे कहीं 100 रुपया ले ले 200 रुपया ले ले, अब क्यों पैसा मार ले क्यों देता नहीं बराबर पैसा है। हाँ तो शिकायत उकायत नहीं करी था। अब कैसे करी, गरीब के का बैलू है साहब, का कौन सुनने वाला है गरीब का, तब मजबूरन साहब जाए पड़ी पेट पाले के ना। गांव के भोले भाले वो लोग आई जे वास्तव में अपने मेहनत कस लोग आई जे काम करे चाहते, मेहनत करके दो रोटी कमाए चाहते, ठीक है, तो मतलब अपने बोली भाषा से लजाए के नहीं आए कि यहाँ हमसे खड़ी हिंदी नहीं बोलत बने तब लाज लागे। नहीं ऐसा कुछ नहीं है, लाज तो नहीं लागे। हाँ एक कहो बिल्कुल नहीं लाज लागती है। कहाँ है मिल रहा है रोजगार? कहाँ नहीं मिल रहा दादा, हाँ ऐसा हो गया मैं नहीं जी रहा कैसा। मध्य प्रदेश में शिवराज सरकार दावा कह रही है कि हम हर व्यक्ति का रोजगार दे रहे हैं। रोजगार कहाँ है, का रोजगार कागज में दिन जाते, कहे कि देश में एक बड़ी योजना संचालित थी मनरेगा, वह मनरेगा के तहत शिवराज सरकार ये कहा थी जे जहाँ है वहीं उनका रोजगार दिन जा रहा है और बेहतर रोजगार दिन जा रहा है, इतना दिन जा रहा है कि 90 दिन उनका रोजगार देव पंचायतन के मतलब प्राथमिक बात उनका बताई गई है। लेकिन हालात यह है कि यह रीवा के हम चौरसिया धर्मकांटा के या दरगाह के लगे खड़े हैं जहाँ यह अपना देखे लागे कि लंबी जो है भीड़ खड़ी है और यह भीड़ ऐसा वैसा न हो, यह कामगार लोग आई ये रोज काम के तलाश में अपने गांवन से आबत हैं कि यहाँ जो है रोजगार मिली दो पैसा मिली तो घरे माँ दार चाउर के इंतजाम करब। लेकिन हालात यह है कि रोजगार जब सरकार दावा करती थी कि हम गाँवें में दे रहे हैं तो काहे आवे की जरूरत पड़ती थी, यह एक बड़ा सवाल है। बेरोजगारी लगातार बढ़ी रही है और बेरोजगारी सिर्फ पढ़े लिखे भर बेरोजगार नहीं आई, ऐसो लोग बेरोजगार हो रहे हैं जो वास्तव में मजदूर वर्ग के हैं कामगार वर्ग के हैं, वो काम तो करे चाहते लेकिन काम में नहीं है। सबसे बड़ी बात कि चाहे अपना गुजरात देख ली सूरत देख ली, लोग घर द्वार छाण के पलायन कह रहे हैं। हम रीवा महन रीवा महानगर बनने वाला है लेकिन स्थिति यह है कि आजो लोग बेरोजगारी के दंश झेल रहे हैं, घरे में चूल्हा जली कि न जली यह तय होता है जब इनका काम मिलत है। तो विंध्य क्षेत्र के ये पहल बघेली न्यूज चैनल में हम कनिष्ठ तिवारी अपना पंचन का सभी जनन का प्रणाम करी थे और शुरुआत करी थे ई विचारन के विचारे ऐसे कहा कि वोट तो दे थे मगर ये वोट के अधिकार सिर्फ बटन दबावे तक जाना थे, ओके बाद बिचारे अपन झोरा टगाइन ले के चले गए बम्बई गुजरात सूरत दो पैसा कमाने या फिर घर छाण के भाग ही रहे हैं, इनका कोई देखे वाला सुने वाला नहीं है। यह बताई का नाम है? संजय। कहाँ से है? हमारा तो मऊगंज घर है। मऊगंज? हाँ। तो यहाँ कमरा लेके रही थे? यह कमरा लेन कमाई खरीदा है। हाँ। तो का काम का करी थे? हो गए यह ईटा गारा मसाला बनाई थे मजदूर आहन। हाँ काम मिल जाते रोज? हो गए रोज नहीं मिला था 4-5 रोज से लौटा था ही सब, यहाँ कागज 12 बजे ही कहीं 200 रुपया ले ले, 12 बजे यही काम दे कहीं 100 रुपया ले ले 200 रुपया ले ले, अब क्यों पैसा मार ली क्यों देता नहीं बराबर पैसा है। हाँ तो शिकायत उकायत नहीं करी था? अब कैसे करी, गरीब के का बैलू है साहब, का कौन सुनने वाला है गरीब के, का बैलू है गरीब के, आए रोड वाले हैं काल कचर दही गाड़ी वाले आए रोड में खड़ा होकर काम ले आए हैं। हाँ चलिए तो अपना 25 सब जने मजदूर वर्ग के आए हैं, अपना कहाँ से हैं? हम यहीं के हैं रीवा के, रीवा रीवा ही मोहल्ला ही के हैं अपना काम। हाँ तो मिल जाते काम? काम हो गया आदमी कहीं 4-5 रोज में मिला जो ही 10 बजे के बाद हो गया पे ऐसा ना कि 300 ले 250 ले। चलिए तो कुल मिला के अपना समझ सकी थे कि शिवराज सरकार या फिर चाहे मोदी सरकार हो, सरकार कौनो बनी रहा है उसे इनके जीवन में कौनो विशेष प्रभाव नहीं पड़ रहा है। हाँ यह जरूर है कि बेचारे अपने मतलब कहा थे ना अपने मरे सड़क मिले का है, तो मतलब अब या चौराहन में खड़े हैं बेचाए रहे हैं कि
कि हमका लाई चला 8 घंटा जऊँ तो का मन हो कराबा, मगर वह पैसा दे दे जौने से हमारे घरे में चूल्हा जरिया है। अब गाड़ी गुद्दा देते तब काम करे पड़ा था, जहाँ गहन गाड़ी गुद्दा दिन के ऐसा ऐसा कर तब काम करे पड़ा था। का करी गरीब आदमी है, का वैल्यू है गरीब के। चलिए तो मतलब महीना माँ कई रोज ऐसा रहा था कि अपना बच्चन का काम नहीं होगा। महीना में मालक 10-12 ड्यूटी पड़ जाता, 10 ड्यूटी। हाँ, मुश्किल से। तो कै रुपया है समय लेबर के? लेबर के 500 है और मिस्त्री के 700 है। दहिया देता ही नहीं है, 300 देता, 350 में लग जाता है। तब मजबूरन साहब जाए पड़ी पेट पाले के ना। नहीं, निश्चित तौर पर समझे लायक बात थी कि जो नहीं से राशन ले जाब तो कहीं के भी का 5,000 के है, 2,000 के नहीं से राशन ले जाब तो गलत कहला है। अब मजदूरी मांगा तो कहीं के पूरा इलाका हमारा ले लेते लाए। चलिए तो कुल मिला है कि ये मजदूरन की व्यथा आए जो उन्हें अपना सुन रहे हैं कि जो बेचारे घर द्वार छाड़ के सहरन के ओरे से भागा थे कि 2 पैसा के कुछ इंतजाम हो जाए, पढ़ाई लिखाई करे हैं। अगर पढ़ाई साहब हमारे घर में गरीबी रहा तो 9-10 तक पढ़े हो गए, ज्यादा नहीं पड़े यहाँ कि ठीक है। हाँ। मगर कहे गांव में रोजगार नहीं मिले? गांव में गमाई इलाका है मार। नहीं तो वहाँ पंचायत वाले नहीं देता है? वहाँ पंचायत वाले काम वम नहीं चलाता है, ज्यादा गमाई इलाका है। हाँ, तो कहता है कि पंचायत में 90 दिन के रोजगार दे थे। होएगा कहा तुम्हारा साहेब, गरीबन का कुछ वैल्यू नहीं, गरीबन का कुछ नहीं मिलाता है। कहा तुम्हारा साहेब? चलिए अपना का नाम? कहाँ नाम है बोली? बसंत सिंह गोरी। कहाँ से है? बैकुंठपुर। तो यहाँ काम करे ही थे? महीना में आए दूर और चार और नहीं मिले। तो यह बताई गांव में अपना के बैकुंठपुर में काम उम नहीं मिले? नहीं मिले भैया, तब न आई थे। चलिए तो यहाँ खुश है जो काम मिल रहा है? अरे यहाँ खुश कहाँ, जब मिलता है तो खुश है। तो सरकारों को कुछ कहा जेका वोट डाली थे? जेका वोट दी थे वो कुछ कहा? अरे भैया उनका का कह दे, का कह सकी थे कुछ बहुत एक्का कह दे तो बेड़ी दे ही है। चली हो गई बंद करी। चली तो कुल मिला के हो गई। गांव के भोले भाले वो लोग आई जे वास्तव में अपने मेहनत कस लोग आई जे काम करे चाहते, मेहनत कह के दो रोटी कमाए चाहते, लेकिन वह इंतजाम न सरकार के लगे आए न वह व्यवस्था के लगे आए कि इनका 2 पैसा के वो व्यवस्था दबाई जाए जैसे इन्हों के घरे के लड़का बच्चा ही पाल सके। रोजगार ना हो? रोजगार मिला जाए। शंकर लाल रावत कहाँ से है? लोही से। लोही से? हाँ। गांव में काम नहीं मिले? गांव में मिलता है सर, मगर उतना नहीं मिलता है। कितना दे थे गांव में? महीना में 5 दिन मिलेगा। हाँ। हाँ। फिर इसके बाद हो गया तो चला आया रीवा। हाँ। कि जाऊंगा तो काम करूंगा। हुँ। तो यहाँ भी हो गया 10-12 दिन मिला ऐसे महीना में। फिर बाकी यहाँ भी ऐसे एकदम चल रहा है खींचतान के। तो गांव में 5 दिन भर मिला था? हाँ, वही कहते 5 ही दिन मिलता है सर। हाँ। चलिए तो कुछ सरकारों से कुछ कहा? अरे पूरा कहरन के पूरा रोजगार दे सरकार। हाँ, वही तो उम्मीद है। तो कहता है रीवा महानगर बन गया है, यह सब व्यवस्था ही सब रोजगार है सर। वह देखिए कितनी पब्लिक खड़ी लागी, देख लीजिए आप जो तो कुछ नहीं मिल रहा है। कहाँ नाम है? नंदलाल साकेत। कहाँ से है? ग्राम अजगरहा। तो गांव में नहीं मिले रोजगार? काम वहाँ भी काम मिलता है लेकिन रोज नहीं मिलता है। हाँ। पंचायत वाले दे थे? पंचायत वाले जो ये काम चलता था ये राहत कार्ड, तो राहत कार्ड वाला कोई काम ही नहीं चल रहा है, सब बंद है। इसलिए पंचायत के लोग यहाँ सिटी में आते हैं काम करने के लिए। कहाँ के हैं बताएं अपना? ग्राम अजगरहा। अजगरहा के? अजगरहा में खड़ी हिंदी बोलते थे? हाँ बोलते हैं, खड़ी हिंदी भी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं। बघेली में बोला तो जब अपने भाषा के बनाई बात करत है तो उससे ज़्यादा ना समझ में आई। हाँ। अपनों को समझ में आई, हम उक समझ में आई, और जो सुन रहा है वो उक समझ में आई। ठीक है, तो मतलब अपने बोली भाषा से लजाए का नहीं आए। हाँ। कि यहाँ हमसे खड़ी हिंदी नहीं बोलत बने तब लाज लागे? नहीं है, नहीं है। लाज तो नहीं लागे? हाँ, इक्का बिल्कुल नहीं लागत दिया है। हाँ। हमारा हम सरकार से यह कह चाहते कि हमारा गरीब मजदूर को काम मजदूर राहत कार्ड जो पंचायत में है वह पंचायत में दे, कलेक्टर योजना जो राहत कार्ड का देता है वो दे, तो ये गरीब बेचारे वहाँ अपन कमाए खाएं। हर पंचायत की बात है। और सिटी के जो आदमी हैं इनको भी काम दे, रोजगार दे। चलिए विधायक को है अपना कहीं? हमारे यहाँ विधायक राजेंद्र शुक्ला हैं जी। कबो कहन नहीं कि दादा हम पचे जी कैसा?
अब हो गया क्षेत्र में जब कबहू आवा थे तो मन ही कहा था। हाँ चलिए, और कहा है मिल रहा है रोजगार? कहाँ नहीं मिल रहा दादा, हाँ ऐसा हो गया मन ही जी रहा कैसा हो गया। चलिए तो कुल मिला के या वो लोग आई जो वास्तव में मेहनत कस लोग हैं, गरीब हैं, या लड़का से तो सुन लिया नहीं, सब बताई हुई इस बेचारा। तू कहा सुना है? जब महतारी लड़का का तबे दूध पिया थी, जब वह रोबत है, जब रोबत नहीं समझे तब तू सोचता है कि तोहरे लगे महतारी वैसे आ जाए बिन रोयन। का है मिला था ये काम धाम? नहीं मिला काम धाम, नहीं मिले। का समस्या ही है दरगाह के तोरे पे? दरगाह में आधे ज्यादा बिहारी लोग हैं, हाँ अपने एमपी के बहुत कम लोग हैं। यहाँ रोजगार कौन नहीं है, बेरोजगार आदमी है। हाँ तब उनका बिहार में न मिला तो यहाँ आवत थे, क्या करें? हाँ आवत है, आवत है यहाँ, हम आप देंगे तब रही हो जाती उनके चक्कर में। अच्छा उनके चक्कर में तो हम चन के पेट मारा जाए? हाँ बिल्कुल मारा। कम ले थे का? अरे हाँ कम में चल देता, हाँ आप मजदूरी मारा थे। चलिए तो कुल मिला की या जहाँ देख ही रहे हैं या एक लेबर चौक आए, और ये लेबर चौक में गांव से शहर से हर जगह से जो है कामगार आवत है। कामगार बड़ी आशा उम्मीद से आवत है कि दो रोटी के इंतज़ाम हो जाए, लेकिन स्थिति यह है कि सरकार कितनों दावा करें लगातार ये चौराहन पर बढ़ रही भीड़ यह बात के जो है द्वेतक है, और सीधा सीधा इशारा है कि रोजगार नहीं है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, और बेरोजगारी बढ़े से आगामी दिनन पर हालात बेहतर न हुई। तो आपन अपने परिवार के रखी बहुत ख्याल, धन्यवाद, प्रणाम।